परासिया में ग्राम पंचायत गाजनडो के उप सरपंच द्वारा बिना किसी अनुमति के शासकीय भूमि की मिट्टी का उपयोग अपने निजी फायदे के लिए किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर की। ग्रामीणों की शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। मामला परासिया ग्राम पंचायत गाजनडो का है, जहां उप सरपंच द्वारा बिना किसी अनुमति के शासकीय भूमि की मिट्टी का उपयोग व्यवसाय के लिए किया जा रहा है। उप सरपंच द्वारा अवैध उत्खनन किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने सरपंच के साथ मिलकर तहसीलदार से की है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि उप सरपंच द्वारा शासकीय भूमि से अवैध रूप से उत्खनन करते हुए मिट्टी का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया हैंडपंप और निस्तारी नाला क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर हल्का पटवारी सहित राजस्व निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की और जांच का प्रतिवेदन बना लिया। वहीं पूरे मामले पर राजस्व निरीक्षक बरखानिया ने बताया कि शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी का उत्खनन कर उसका व्यवसायिक उपयोग किए जाने की शिकायत अधिकारियों को मिली थी। अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर कार्रवाई की जाएगी। भगवान की शिकायत के संबंध में वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा उत्खनन कर मिट्टी निकालने के संबंध में शिकायत की थी, तो उस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे हमारे द्वारा मौके पर सीमांकन कर जांच की जा रही है। जांच कार्य पूर्ण हुआ है, जांच उसमें चालू है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।